What's up, beautiful people? This is Ashish Style and my eyes are not opening. आँख नहीं खुल रहा है भाई. दिन के सुबह के 8 बज चुके हैं and this is supposed to be a fun day. लेकिन अभी नींद से उबर नहीं पाए अपन. अभी जा रहा हूँ मैं सब्जी लेने के लिए सुपेला मंडी. तो पहुँच गया हूँ सुपेला. कैसे तैसे आँख ऐसे मिचते मिचते पहुँच चुके हैं. बट चलते हैं भाई, आज मंडी वंडी के दर्शन करते हैं. उसके अलावा आज बहुत सारा चीज़ें तो करना है. आज का दिन एकदम धमाल धमाकेदार बनाएंगे. बट पहले आँख खोलने का कोशिश करते रहते हैं. रुक जाओ थोड़ा. तो ये है अपना सुपेला. और देखो वो ट्रक पे बड़ा प्याज भर भर के आया है भाई. ट्रक ही ट्रक है हर जगह. भीड़ भारी एकदम. बोलिया लग रही है एकदम जबरदस्त. इधर फुकट का लड़ाई नहीं करना चाहिए. देखो दोनों का सीन फंस गया है. एक ही जैसा टर्न है. अरे बेचारे चाह रहे हैं कि छूट जाए, निकल जाए, सोच रहे हैं ना कि निकल नहीं पा रहे हैं. और उसके बीच में कोई जाएगा तो वो भी निपटा जाएगा. आराम से करें. अरे वो लोग आपस में ही उलझे हुए हैं. एक का बहुत सिंह बोला है रुक जा भाई ये ले पकड़ के वीडियो बना, मैं भी ट्राई करता हूँ. तू मत जा बेंग, तू मान. जो होगा देखा जाएगा. ओ रे बाप रे बाप. नहीं ये भाई वो सहराने से थोड़ा ना चुप हो जाएंगे. थोड़ी देर में फिर वैसे ही होने लगेंगे. उनको नहीं समझ में आता ना इतनी जल्दी. अरे तू कहाँ घुस रहा है बे बे लंगड़े. वो लोग पता चल गया तुम लोग मदद करने आ रहे हो. एक नंबर छोटे. अरे आशी भाई दोनों को सहलाना. यार हेल्प करना आशी भाई. हाँ जैसे. अरे वो तो ताकत लगा दे रहे हैं. निकल गए रे निकल गए. मिरेकल 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 मिरेकल. मजार है बेसिकली रहमतुल्ला भिलाई तीन वाला मजार. उसके जस्ट सामने है अपना जलाराम स्थान भंडार. और यहाँ भाई कचौड़ी ऑसम है. मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैंने बहुत जगह इसके प्याज कचौड़ी खाने के बाद प्याज कचौड़ी ट्राई करी है एंड आज तक इससे बेटर और बेस्ट कुछ नहीं मिल पाया मेरे को. सो दिस वन इज पॉसिबली द बेस्ट प्याज कचौड़ी आउट देयर. तो ट्राई करना और समझ में आ जाएगा भाई कैसा था जो मैं बोल रहा हूँ. तो बात यहाँ बैठी है अम्मा. अब इनको पैसे चाहिए होंगे. मैं पैसे किसी को देता नहीं हूँ. तो अम्मा कुछ खाएंगी तो उनको खिला देते हैं. अम्मा कुछ खाओगे हैं? खानी चाहिए हाँ. आपको कुछ खाना है क्या? पैसा तो नहीं दूंगा. हाँ तो फिर क्लियर गणित है भाई. अपन पैसा वैसा देते नहीं है. दिया हूँ ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देता हूँ. बट आई यूजुअली डोंट लाइक दैट और नहीं देता हूँ मैं. तो दादी को मैं पूछा कि क्या खाओगे तो बोलती मेरे को नहीं पैसा ही दे दो मैं खा लेती हूँ. लेकिन पैसा वैसा नहीं देना है मेरे को. तो अपन केला ले लेते हैं और दादी को केला देते हैं. जो भी बढ़िया है दे दो ना दादा. अरे वही 50 वाला दे दो यार, ये तो बहुत गंदा लग रहा है. 50 वाला जो सही हो ना वो दे देना. दर्जन होपफुली काफ़ी होगा उनके लिए. सर्दी का केला हो गया है अपने हाथ में. चलो दे और निकले यहाँ से सटापट. तो ये लो दादी, आप जितना मांगे थे उससे ज़्यादा का केला है. खाओ अच्छे से रहो. पैसा लेके क्या करोगी जी? आशीर्वाद देना दादी. दादी खाना भी चालू करती है. बाद एक अनोखी चीज़ दिखी है भाई, ये डब्बे वाला आइसक्रीम ना बहुत दिन बाद दिखा है यहाँ पे. साइकिल में दबदबाते हुए जा रहे थे दोनों भाई. लेकिन नॉस्टैल्जिया है कि नहीं बता. ये कभी बचपन में खाए थे तो? और कई बचपन के बाद अभी दिखता है ये वाला डब्बा. अच्छा ये देखो भाई कौन है. दो मंजिल. चीयर्स ब्रो. सॉलिड नॉस्टैल्जिया है भाई. खाना बनाना है मेरे को, जल्दी जाने दो. रुक जा भाई पैसा निकाल रहा, तेरे को दे रहा, तू निकल जा. बढ़िया है भाई, थैंक यू. तो ये है वो वाला मोहल्ला जहाँ पे मैंने रायपुर में रूम लिया था भाई. रूम से हो रहा है 10 विदानियाँ. बहुत सोच समझ के लिया था वैसे 1 BHK कि भाई रह लूँगा, लेकिन अकेला रहना मेरे से नहीं हो पा रहा है. और यहाँ से अपन
जो भी सामान वामान है वो बटोर के लेके चले जाएंगे। सबसे मुश्किल की बात ये कि सामान ज़्यादा है और एक एक्टिव है जिसमें मेरे को सामान लेके भिलाई जाना है। ऊपर से मौसम भी आज बड़ा बहुत बेईमान सा दिखाई दे रहा है भाई, आज बारिश गिर रहा है। तो यहाँ से सामान में गद्दा है, कूलर है जो यहाँ ले लिया था मैं, उसके अलावा बैग वैग है। सामान वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है बट एक्टिवा पे थोड़ा मुश्किल होगा, बट लेके जाएंगे आज, यहाँ से लेके जाना ही है सामान। और चार रहा ही 3 दिन वहाँ पे मैं कुल मिला के, सो दैट इज़ नॉट वाइबल और सही नहीं लग रहा है। तो चलो चलते हैं, बट ये इससे पहले यहाँ एक जगह है जहाँ मैं समोसा 10 रुपये में खाता, तो वहाँ समोसा खा के जाते हैं। मेरा हेल्प कर रहा है सोमेश आज यहाँ से निकालने में, कूलर लाने में भी हेल्प किया था। तो ये हमारा छोटा छोटा समोसा है जो खा रहे हैं, मात्र 10 रुपये। रूम टूर देने का ना हमेशा से ही बहुत मन करता था मेरे को, और पहले बार जो फ्लैट लिया था रायपुर में उसका टूर देता हूँ भाई। फ्लैट रूम तो बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था, लेकिन मेरे काम का नहीं है अभी तो। बंदे के सामान में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं, गद्दा है और थोड़ा बहुत मैसी भी दिख सकता है सामान वामान, तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देने का, फोकस नहीं करने का, देख लो और आगे बढ़ो। ठीक है, अपने जैसे बेडशीट लगाया पांडा वाला, फूडी पांडा ये हमारा कूलर, पता नहीं यहाँ इतना कचरा क्यों हो गया है लेकिन है यहाँ कुछ कुछ। मैं किचन को बना दिया था अपना वार्डरोब, तो बढ़िया सुंदर सा दिखता था। ये मेरा जिम बैग, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ, ये बोतल खरीदे थे, 2 बोतल भाजी वाली भाभी के पास ही है। तो ये था मेरा रूम, खूबसूरत है, फॉल सीलिंग वगैरह किया हुआ था, सुंदर सा नया कंस्ट्रक्टेड घर है। बट ये जो पाइप है ना, ये थोड़ा सा मेरे को दुखदाई लगा था, तो इसको मैं सोचा था अपना स्टूडियो बनाऊंगा क्योंकि नहीं बना पाया, तो ठीक है चलो बाय बाय। लेकिन अच्छा स्टूडियो हो सकता था अगर मैं इस पर काम किया होता तो, बट काम नहीं कर पाया। आए कितने दिन हो आप इस रूम में? नहीं आया 3 दिन। बजाज की पल्सर की कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत दिया हूँ भाई, खराब क्वालिटी का टी शर्ट था। अच्छा तो पोछा बना दोगे? अच्छा 250 रुपए का बाल्टी था भाई, 200 रुपए कौन सी कंपनी के? तो इस रूम की ना एक छोटी सी बड़ी परेशानी थी, छोटी सी बड़ी परेशानी वो ये था कि देखो यहाँ से हवा भी आता है, बारिश भी आता है, धूल भी आता है, सब कुछ आता था यहाँ से। ठीक है, और यहाँ अभी ये कर्ची भी आ गए ऊपर से, ठीक है, ताश के पत्ते भी आ गए और एरियल के पैकेट उठा उठा भाई 10 रुपए का है। 10 रुपए तो 10 रुपए का फायदा कहाँ रख गए इसको? अपने पड़ोसी तो भैया बहुत हेल्प कर दिए थे, अब ये देखो ये कर्ची किसी की गिरी ऊपर से, ये आप दे देना, जो ऊपर से गिरता है खुलकी से। रूम की मैं कुछ कुछ अनोखी चीज़ें दिखाता हूँ, प्यार था यार इस रूम से। देखो ये किचन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई सिंक नहीं है लेकिन यहाँ नल है। कहाँ पर वहाँ बना दी हो? ये है क्यों नहीं पता, ये भी एक रास है। सिंक में मैं बेसिकली बेसिन का यूज़ लेता था इसको 3 दिन तक बहुत शिद्दत के साथ। खाली हो गया रूम तो आशीष भैया, हो गया चलो रे डोली वाला गाना गा रहे हैं, बताओ यूट्यूब वाले पैसा नहीं देंगे आशीष भी आपको। सफर तय करके तो गाइस उनका सारा सामान बचा है, एक एक्टिवा में रख के जा रहे हैं, ऊपर से ये कूलर भी बचा हुआ है 125 किलो के भैया। कूलर कौन लेके जा रहे हैं? जूता पहले पहनेगा, चप्पल मतलब कुछ है ना, असली टूरिस्ट एडवेंचर में नहीं एक्टिवा में होगा। नांग साहब जाने में बड़ा तकलीफ होगा, पानी गिर रहा है रे। अरे यार चलो अच्छा आपका चड्डी गीला हो जाएगा। ऐसा मत बोलो भैया, बोल तो दिया लेकिन ये बंदी काम करेगा कि नहीं वो पता नहीं। कूलर मत तोड़ देना, ये इतना पावर है उसमें। कूलर कौन तोड़ता है लेकिन नया कंपार्टमेंट बन गया। छोड़ना भाई, घर जाते तक बचा तो ठीक है, नहीं तो फेंक दूंगा। फिर से इतना स्ट्रगल करने के बाद
फिर हम आ चुके हैं समोसा खाने फिर से। ये वाला बैग सही में ले जाता है, मैं तो बोल ही रहा था आपको। ऊपर वाला ले जा। कूलर खाली फोकट तोड़ दिए, कट से मजा, कट से ठीक, बहुत भारी है। फ्रेश फ्रेश अभी कड़ी बने हैं आपके लिए, फ्रेश समोसा फ्रेश कड़ी। एंड रूम्स ऑल एम्प्टी, सब काम हो गया खत्म। कूलर अगर गया टूट तो रास्ते में देंगे फेंक, ठीक है। भिलाई में कुछ अजीब सा और अनोखा सा हो रहा है भाई, इतनी सारी पुलिस पहले कभी नहीं देखी, अचानक से देख रहा हूँ इतनी पुलिस है। मतलब कम से कम 60-70 गाड़ियाँ हैं पुलिस वालों की, क्या हो रहा है पता नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले हैं भाई। रोहित शेट्टी की मूवी का सेट लग रहा है भाई। तो ऑलमोस्ट घर पहुँच गए हैं, मतलब घर पे एकदम नज़दीक पहुँच गए हैं, इतने सब लोड के साथ, कूलर बैग पत्ता। और रायपुर से रहने वाला जो टंटा है वो ख़त्म हो गया है, बम मेरा गोते खाए भाई। कमर में पता नहीं किस टाइप का बटरफ्लाई है जो घूम रहा है, इट इज़ ऑल मेस्ड अप। ये एडवेंचर दोबारा नहीं करेंगे, आज कर लिए काफ़ी था, इसके बाद अब ना हो पाएगा, सब चीज़ अनलोड करा जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग, पता नहीं क्या बना है लेकिन जो भी था अच्छा था आज के दिन का। हेलो फॉर डे इट वॉज। पहुँच गए हैं, कूलर हो गया पूरा टेढ़ा, टॉप पूरा टूट गया है, बट फिर भी काम चलेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दबा हुआ है अंदर, प्रेशर है ना इसीलिए टेढ़ा।